स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। तो यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा से एक लेटर निकला है, चलिए पढ़ते हैं। जिला स्थापना शाखा शिक्षकों के द्वारा विभागीय आदेश के आलोक में आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा के विरोध में सक्षमता परीक्षा के प्रति जलाना, विभाग के विरुद्ध नारेबाजी करना एवं मशाल जुलूस निकालते हुए भाग लिया गया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक इतना दिनांक 5/2/2024 तथा पत्रांक इतना दिनांक 12/2/2024 के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र, सोशल मीडिया एवं अन्य एजेंसियों से सूचना प्राप्त कर मशाल जुलूस एवं आंदोलन में शामिल शिक्षकों को चिन्हित कर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। के आलोक में अधो हस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक इतना दिनांक 11/2/2024 के द्वारा संलग्न सूची में अंकित शिक्षकों को 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण प्राप्त कराने का निर्देश दिया गया, किंतु उनके द्वारा अद्यतन स्पष्टीकरण समर्पित नहीं कराया गया है। विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा उक्त के संबंध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा के विरोध में सम्मिलित हुए हैं, वैसे शिक्षकों का माह फरवरी 2024 से 1 सप्ताह का वेतन कटौती करके ही भुगतान किया जाए। अतएव संलग्न सूची में अंकित सभी शिक्षकों का माह फरवरी 2024 के वेतन से 1 सप्ताह का वेतन कटौती किया जाता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना दरभंगा, यहाँ पे लिस्ट है, टोटल 27 टीचर हैं। मशाल जुलूस में शामिल होने वाले शिक्षक शिक्षिका का नाम तो यहाँ आप देख सकते हैं, 1 से लेकर 27 है। पहला देखते हैं श्री शंभू यादव, जो कि प्राथमिक विद्यालय दाथ पूर्वी में है और प्रखंड है अलीनगर। दूसरा है मोहम्मद रफीउद्दीन, ये है मध्य विद्यालय मनहर उर्दू, जो कि अलीनगर में है। इसी तरह यहाँ पे टोटल 27 टीचर हैं जिनका पहचान किया गया। ये लोग मशाल जुलूस में शामिल हुए थे, सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 1 सप्ताह का फरवरी का वेतन इनका काटा गया है। देखते हैं इस तरह का लेटर और भी जिले से निकलता है कि नहीं। निकलेगा तो हमारे चैनल पर ज़रूर मिलेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा।